आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रेरक कथा प्रसंग सुनेंगे जिसमें बताया गया है कि वह कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद मनुष्य चाह कर भी बाहर नहीं आ पाता। कथा प्रसंग सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा प्रसंग के अनुसार एक बार एक नगर के राजा के मन में ये विचार उठा कि वह कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। मन में ये सवाल उठते ही राजा ने अपने दरबार में उपस्थित सभी सभाजनों से इसका उत्तर जानना चाहा, परंतु कोई भी राजा के प्रश्न का उत्तर न दे सका। अंत राजा ने राज पुरोहित को बुलाया, उसके सामने अपने प्रश्न को रखा और कहा, मुझे 3 दिन में इसका उत्तर चाहिए। यदि तुम 3 दिन में इसका उत्तर ना ला पाए तो तुम्हें उपहार स्वरूप दी गई सभी वस्तुएं वापस ले ली जाएंगी और तुम्हें ये नगर भी छोड़ना पड़ेगा। राजा की बात सुनकर राजपुरोहित दुखी हो गया, परंतु फिर भी वह प्रश्न के उत्तर की तलाश में निकल पड़ा। 2 दिन बीत चुके थे लेकिन अभी भी राजपुरोहित को इस प्रश्न का उत्तर कि ऐसा कौन सा कुआं है जहां गिरने के बाद मनुष्य बाहर नहीं निकल पाता, नहीं मिला था। राजपुरोहित दुखी अवस्था में इधर उधर विचरते हुए जंगल की तरफ हो लिया। कुछ दूर चलने पर राजपुरोहित की भेंट एक गडरिये से हुई जो अपनी भेड़ों को चरा रहा था। राजपुरोहित को देखते ही गडरिया बोला, अरे आप तो राजपुरोहित हो, इस जंगल में क्या कर रहे हो, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? लेकिन राजपुरोहित ने उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आगे चल दिए। अचानक राजपुरोहित को ठोकर लगी, वे गिरने लगे तो गडरिये ने उन्हें थाम लिया और कहा, आप बहुत दुखी और उदास हो, मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। इस बार राजपुरोहित ने राजा का प्रश्न गडरिये के सामने दोहरा दिया। कुछ देर सोचने के बाद गडरिये ने कहा, अरे आप इतनी सी बात से चिंतित हैं, देखिए मेरे पास एक पारस है जिससे बहुत सा सोना बनाया जा सकता है। यदि राजा तुम्हें राज्य से निकाल देगा तो मैं वह पारस आपको दे दूंगा जिससे आप स्वयं अपना एक राज्य स्थापित कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, आपको मेरा चेला बनना होगा। गडरिये की बात सुनकर राजपुरोहित के अंदर का अहंकार जागा और वह सोचने लगा कि मैं इस 2 कोड़ी के गडरिये का चेला बनूं, परंतु अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजपुरोहित ने उसका चेला बनना स्वीकार कर लिया। गडरिया कहने लगा, महाराज आप पहले तो मेरी भेड़ का दूध पिए फिर मेरे चेले बने। यह सुन राजपुरोहित कहने लगा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। गडरिये ने कहा, तो ठीक है मैं पारस नहीं दूंगा। अब पुरोहित जी बोले, ठीक है मैं दूध पीता हूँ। गडरिया कहने लगा,
अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर आपको पीना पड़ेगा। राज पुरोहित ने कहा, अरे तुम तो हद करते हो, ब्राह्मण को अपना जूठा पिलाओगे। गडरिये ने कहा, तो ठीक है जाओ। राज पुरोहित बोला, अरे मैं जूठा दूध पीने को तैयार हूँ। यह सुन गडरिये ने कहा, वह बात तो गई, अब तो तुम्हारे सामने जो वह मरे हुए पशु की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, मैं अपना जूठा दूध उसमें डालूंगा, तुम उस कंकाल में दूध पीना, फिर तुम्हें पारस मिलेगा। यदि तुम मेरी बात नहीं मानते तो जा सकते हो। राज पुरोहित ने कुछ देर सोच विचार कर कहा, ऐसा करना है तो बहुत कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही गडरिया बोला, पुरोहित जी, मिल गया आपके प्रश्न का उत्तर। यही तो कुआं है लोभ और तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि आप पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। गडरिये के मुख से यह उत्तर सुन राज पुरोहित बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा के पास पहुंचा, अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट किया। राजा जब राज पुरोहित को इनाम देने लगा तो राज पुरोहित ने कहा, महाराज, असली इनाम का हकदार ये गडरिया है, जिसने मुझे लोभ व तृष्णा रूपी इस कुएं के दर्शन करवाए हैं। बंधुओं, आज का कथा प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधा रानी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।